घरेलू गैस सिलेंडर से घर के अंदर हो रहा था बड़ा काम। प्रशासन को लगी भनक तो छापेमारी में बरामद किया सिलेंडरों का जखीरा। कार्रवाई से मचा हड़कंप। एसडीएम ने मारा छापा, 55 सिलेंडर सहित दो गिरफ्तार। आगरा जिले के थाना शमशाबाद के धमैना रोड स्थित एक मकान पर बुधवार को एसडीएम फतेहाबाद एम अरुण मौली, सप्लाई इंस्पेक्टर रमाकांत सिंह और थाना अध्यक्ष शमशाबाद अरविंद कुमार और एसआई संजुल पांडे ने छापेमारी की। बता दें कि एसडीएम को कस्बे में अवैध रिफिलिंग व ब्लैक में सिलेंडर बेचने की शिकायतें मिल रही थीं। छापेमारी के दौरान मकान से 55 सिलेंडर बरामद हुए हैं। इन घरेलू सिलेंडरों से रिफिलिंग का काम किया जा रहा था। सभी के खिलाफ थाना शमशाबाद में मुकदमा दर्ज कराया गया है। दो लोग पकड़े भी गए हैं। कार्रवाई के दौरान भारत तथा इंडियन कंपनी के 55 सिलेंडर बरामद हुए हैं। इन सिलेंडरों से वाहनों में गैस रिफिलिंग की जाती थी। पुलिस ने मौके से दो लोगों को गिरफ्तार। जनसुनवाई में शिकायत आ गई। इसी शिकायत के वो आबादी लोग शिकायत करते हैं कि कुछ बदबू आ रही, सिलेंडर भर रहे हैं। उसके पहले भी दो बार आग लगी उसमें। इसके लिए मैं जांच करने के लिए सीधे आ गई। उसमें 55 सिलेंडर पकड़े। उसमें अब भी जैसे शमशाबाद सप्लाई इंस्पेक्टर दोनों को भी मौके पर बुला लिया। उन लोग भी खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मेरी भेज दी। उसमें हम लोग अंदर जाने के समय वो उल्टा करके बड़ा कर रहे हैं। ऑटो से रिफिलिंग कर रहे हैं। बिना लाइसेंस, बिना रजिस्ट्री कुछ नहीं है। सिर्फ आबादी के अंदर घर के अंदर के चल रहे हैं। गिरफ्तार भी किया गया? हाँ हाँ, दो लोग हैं। एक ऑटो वाला है, एक ट्रक वाला है। दोनों लोग पकड़ लिए। कार्रवाई हो रही है। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।